नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आपके अपने चैनल डीके टेक्निकल गया में। तो जैसा कि हम आप सभी को एक पत्र दिखाने जा रहे हैं जो राज्य स्तरीय बैठक होने वाली है, जिसमें कि मदन सहनी जो माननीय समाज कल्याण मंत्री के अध्यक्ष हैं और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं ICDS विभाग के साथ एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जो 2 सितंबर 2022 यानी कल के दिन ये बैठक होगी। और इस बैठक में आंगनबाड़ी से संबंधित बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है कि कहाँ पर क्या कमी है, किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये सारी व्यवस्थाएँ होने चाहिए। इसके लिए यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसके बारे में आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे क्या कमी है, नहीं है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को जितने भी नई आंगनबाड़ी सेविकाएं देख रही है वो अपने छोटे भाई का चैनल डीके टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि यहाँ पर हम आपको पहला जो पॉइंट दिया गया है उसके बारे में बताएंगे, जो विषय है आंगनबाड़ी केंद्रों के सही संचालन हेतु CDPO को अपने परियोजना के 25% केंद्रों का निरीक्षण करना है, इसका अनुसरण किया जाए। ऐसी सूचना मिल रही है कि CDPO द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे ये CDPO के लिए बात की जा रही है कि जितने भी CDPO हैं उनको अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों का 25% निरीक्षण करना है। तो चलिए यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो देख लेते हैं क्या है। जैसा कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलने की स्थिति में सिर्फ सेविका ही दोषी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए महिला परीक्षिका एवं CDPO को भी जवाबदेही तय किया जाएगा। जैसे कि जब आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलता है तो उस स्थिति में सेविका ही नहीं बल्कि महिला परीक्षिका और CDPO की भी जवाबदेही रहेगी कि आंगनबाड़ी केंद्र क्यों नहीं चल रहा है। यहाँ पे बढ़ते हैं अगला पॉइंट। पोशाक मद में लाभुकों को राशि वितरित की जा रही है, लेकिन बच्चे पोशाक में नज़र नहीं आ रहे हैं, इस दिशा में भी क्या कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि बच्चों को पोशाक राशि दी जाती है तो बच्चे पोशाक में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आते हैं, तो इस स्थिति में भी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी पूछताछ किया जाएगा कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। और नीचे एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है कि ICDS विभाग को कितने बच्चों का पोशाक राशि दिया जाता है और आंगनबाड़ी केंद्रों तक कितने बच्चों का पोशाक राशि पहुँचता है। तो नीचे वाला जो लास्ट पॉइंट है वो आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, शहरी क्षेत्रों में कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यकता नहीं है, एक अभियान चलाकर भौतिक सत्यापन करा लिया जाए और ज़रूरतमंद क्षेत्रों में इन्हें शिफ्ट किया जाए। जहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र की ज़रूरत नहीं है वैसी स्थिति में उस आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करके जहाँ इसकी ज़रूरत है उसको शिफ्ट कर दिया जाए। चलिए अगला पॉइंट क्या है। कई जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि रिक्त परियोजनाओं की प्रभार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को न देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जा रहा है, जिलावार इसकी समीक्षा कर लिया जाए। जैसा कि जो पद रिक्त है वहाँ पे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वो खबर न देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, तो इसकी भी समीक्षा की जाएगी। अगला जो पॉइंट है 6 नंबर, विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे जांच का फॉर्मेट में सुधार की आवश्यकता है, इस संबंध में अलग से निर्देश दिया जा रहा है। तो चलिए इस लेटर में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो आप लोगों के पोषण ट्रैकर के बारे में है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, विभागीय पोषण ट्रैकर की स्थिति अच्छी नहीं है, समय पर अपलोडिंग नहीं होने से भारत सरकार को भी वांछित सूचनाएं नहीं जा पा रही है, इस पर विशेष ध्यान देकर यह सुनिश्चित किया जाए कि सेविका सहायिका द्वारा समय पर प्रतिवेदन भेजा जा सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोषण ट्रैकर कैसा चल रहा है, कभी सर्वर की प्रॉब्लम होती है, कभी जो आधार वेरीफाई की प्रॉब्लम होती है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं को होती है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देकर इसको भी ठीक कराया जाएगा। तो चलिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं। निदेशालय का सर्वोच्च कार्य कुपोषण को कम करना है और इस कार्य में ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस की महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु अधिकतर केंद्रों पर इसके खराब होने की सूचना है, इन्हें बदलने की तुरंत आवश्यकता है ताकि केंद्रों को सुदृढ़ किया जा सके। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पे ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस यानी बच्चों का वजन करने वाला जो मशीन है वो खराब होने की स्थिति में भी इसको ठीक नहीं किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई करके जितने भी आंगनबाड़ी सेविकाओं का मशीन खराब है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। अनुभव किया जा रहा है कि CDPO और LS सेविका के बीच संवाद का अभाव है, नियमित बैठक भी नहीं हो रही है, सभी CDPO नियमित रूप से बैठक कर DPO को
बैठक की कार्यवाही भेजे एवं CDPO भी नियमित रूप से मासिक बैठक कर निदेशालय को कार्यवाही प्रेषित करें। यानी कि CDPO, LS और सेविका सभी लोग जो नियमित बैठक होती है मासिक बैठक, उस बैठक में आप लोग जो भी कार्यवाही है उसको आगे प्रेषित जरूर करें। उसके बाद अगला जो पॉइंट है यानी 10वां नंबर पॉइंट, नए मेनू के अनुसार पोषाहार वितरण की क्या स्थिति है। ये जो नया मेनू बार बार बदलता है इसको लेकर जो समस्याएं हैं वो आंगनबाड़ी बहनों को होते रहता है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी कि जो नया मेनू के अनुसार जो पोषाहार वितरण है की क्या स्थिति है, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। अगला पॉइंट है आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से दी जा रही सेवाओं का प्रचार प्रसार किस तरह से किया जा रहा है, इसकी समीक्षा करें। अगला जो है समय पर आवंटन की निकासी और व्यय की स्थिति की भी समीक्षा की जाए। यानी कि जो राशि आवंटित की जाती है, निकासी और व्यय की जो स्थिति है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है सेविका सहायिका के चयन से संबंधित कितने मामले जिला प्रोग्राम पदाधिकारी न्यायालय में लंबित है, इसकी समीक्षा आवश्यक है। यानी कि जो सेविका सहायिका चयन मामला है इसमें कितने जो ऐसे मामले हैं जो अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किए गए हैं वो लंबित है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। अगला है मैपिंग पंजी को अंतिम रूप देने के पूर्व 20% घरों का सत्यापन महिला पर्यवेक्षिका एवं 10% घरों का सत्यापन बाल विकास पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात सभी के हस्ताक्षर के बाद ही मैपिंग पंजी का प्रकाशन किया जाएगा, इसका अनुपालन कड़ाई से कराया जाए। उसके बाद चलिए यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। सेविका सहायिका के चयन मुक्ति एवं उनके मानदेय कटौती से संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में कितना पत्र प्राप्त हुआ है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, इसके बारे में भी पूछताछ होगी। उसके बाद BTC फॉर्म 64 भाउसर जो बिहार गजट में प्रकाशित हुआ था, क्या उसके स्वरूप को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा परिवर्तित किया गया है। प्रोग्राम पदाधिकारी को 10 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना है, कितने आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रतिमा निरीक्षण किया गया तथा क्या कार्रवाई हुई। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पॉइंट है वो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया है कि प्रतिमाह आपको 10 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना है, कितने आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रतिमाह निरीक्षण किया गया तथा क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में भी जो ये निर्देश है वो दिए जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है सेविका सहायिका के चयन से संबंधित कितने मामले जिला प्रोग्राम पदाधिकारी न्यायालय में लंबित है और कब से लंबित है। उसके बाद यहाँ पे जो 6वां नंबर पॉइंट दिया गया है जो हमने आपको ऊपर बताया था कि बच्चों के पोशाक राशि से संबंधित यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के 40 बच्चों की पोशाक राशि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के खाते में जाता है, जिसका सत्यापन लाभुकों से पूछकर किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बच्चों के लिए पोशाक राशि आती है वो 40 बच्चों के लिए आती है, जबकि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चों की राशि पहुंचती है वो 20 बच्चों की पहुंचती है, तो कभी 25 बच्चों की राशि पहुंचती है। तो इस प्रकार की जो मामले हैं उसके बारे में भी सत्यापन किया जाएगा। अगर सभी बच्चों को पोशाक राशि मिल जाती है तो सभी बच्चे पोशाक में आएंगे, तो इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे लंबित अनुग्रह अनुदान की समीक्षा किया जाए एवं अविलंब भुगतान किया जाए, साथ ही अन्य योजनाओं की भी समीक्षा कर लिया जाए। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, इन बिंदुओं के अलावा भी विभाग अपने स्तर से अन्य बिंदुओं की भी जांच करा ले। जैसा कि हमने जितने भी आपको भी ये बिंदु दिखाए, इन सभी बिंदुओं पे 2 सितंबर को मदन सहनी और विभाग के साथ बैठक की जाएगी। इसमें इस प्रकार के जो मामले हैं वो सारे मामले में कार्रवाई की जाएगी, कैसा क्या चल रहा है। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनें भी, अगर आपको भी लगता है कि किसी बिंदु पे चर्चा होनी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।